वेजिटेबल स्टॉक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ। आपने ये देखा ही होगा कि खाना बनाते समय अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स यहाँ वहाँ, तो हमारा खाना जल्दी भी बनता है, आसानी से भी बनता है और ऑफकोर्स टेस्टी तो बनता ही है। तो चलिए एक ऐसी टिप बताता हूँ जो कॉन्टिनेंटल खाने में ही नहीं, इंडियन खाने में भी कभी कभी बहुत काम आ जाती है। तो आइए चलिए बनाते हैं वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। काली मिर्च, प्याज, तेज़पत्ता, गाजर, सेलरी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टॉक बनाने में। लेकिन सबसे पहले जो इन इंग्रेडिएंट्स में नहीं था वो था पानी। स्टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पानी, जो कि हमें काफ़ी मात्रा में लेना पड़ता है। पानी डालने के बाद मैंने गैस स्टार्ट कर दी है। अब आइए बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। सबसे पहले डालेंगे कैरेट्स। कैरेट्स को हमने रफली चॉप कर लेना है, कुछ इस तरह के मोटे मोटे टुकड़े काट के। इस तरह से जो कैरेट्स हैं इनको रफली काट के और हमें ये पानी में डाल देना है। कैरेट्स के साथ साथ प्याज, प्याज को भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, काफ़ी मोटा ही रखना है इस तरह से, और इसे भी हम पानी में डाल देंगे। इसी के साथ साथ तेज़पत्ता और काली मिर्च। काली मिर्च के बाद अब हम इसमें डालेंगे सेलरी। सेलरी को भी हम रफली चॉप करके डालेंगे इसमें। अब ये सारी चीज़ें तो डल गई पानी में। अब इन सब चीज़ों को पानी में हमें अच्छी तरह से पका लेना है, या जिसे कहते हैं उबाल लेना है। और इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक ये आधा ना हो जाए, और जैसे जैसे ये उबलता जाएगा और रिड्यूस होता जाएगा इसका रंग भी बदलता जाएगा। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो पानी और बाकी के वेजिटेबल्स और बाकी की सारी चीज़ें जो हमने डाली थी ये बॉयल हो रही हैं। अच्छे तरीके से हमें इसे बॉयल करना है, और उसके बाद जब ये रिड्यूस हो जाए और हाफ हो जाए इसे हम छान लेंगे, और जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पानी होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाता है स्टॉक। ये जो वेजिटेबल स्टॉक है ये सूप्स और ग्रेवीज में इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ कई बार इंडियन खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो स्टॉक है इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी एक बार इसे बना के और इसे रेफ्रिजरेटर में या फ्रीजर में भी स्टोर करके रखा जा सकता है, और इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी होती है, इसीलिए हम इसे बना के करीबन 15 से 20 दिन तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट आधा हो गया है और हमारा स्टॉक जो है वो तैयार हो गया है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। चलिए अब इसे छानते हैं। छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में स्ट्रेनर रखा हुआ है, और स्ट्रेनर पर मसलिन क्लॉथ रख के या मलमल का कपड़ा रख के और फिर इसे छानेंगे। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मसलिन क्लॉथ को आप डबल लेयर में रखें, कुछ इस तरह से, ताकि जो स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए, हमने स्टॉक छान लिया है, अब ये तैयार है ग्रेवीज में जाने के लिए, सूप्स में इस्तेमाल होने के लिए, और हाँ अगर चाहें तो ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं।